ये तिलक माया माया के लिए तो रोज तिलक करने की आज्ञा है, और दूसरे लोग तो शुभ कर्म करे तभी तिलक करे तो चलेगा। माया रोज तिलक करे क्योंकि माया भावना वाली होती है और यहाँ बुद्धि शक्ति विकसित होती, तो भावना भावना में मायों को कोई फंसावे नहीं, इसलिए मायों की बुद्धि शक्ति निर्णय शक्ति भी अच्छी होने के लिए मायों को बोले रोज तिलक करो, चंदन का, कंकु का, सिंदूर का, अथवा तो हल्दी का, गाय के पैर की मिट्टी का, तुलसी के जड़ की मिट्टी का, अथवा तो पीपल की जड़ की मिट्टी का तिलक करने से पुण्यदायी और बुद्धि विकसित करता है। लेकिन ये प्लास्टिक की बिंदियां लगाती बेचारी माइयों को पता नहीं कितना नुकसान होता अपना भाग्य पर। वो जानवरों के अंगों से बना हुआ चिपकाने वाला है, छी छी छी, जानवरों की हड्डियों से और दूसरे गंदी चीजों से बनाया हुआ वो गुंदर नहीं है, गोंद तो एक बार चिपकेगा फिर खुल जाएगा, वो बार बार चिपकती है बिंदी, वो जानवरों के चीजों से बनता है। तो अपने भाग्य पर सुबह सुबह दिन में काहे को ये मरे हुए जानवरों की बिंदी लगाना, अच्छी छी नको, फायदा की जगह पे नुकसान होता है। तो सिंदूर, कंकु, हल्दी का तिलक कर सकते, नहीं तो जितना चूना उतना हल्दी मिश्रण करके रखो तो केसरी रंग बनेगा और थोड़े दिन में ये केंद्र थोड़ा जलन होगा लेकिन ये केंद्र विकसित होगा, विचारवान बन जाओगे, बुद्धिमान। हमने लगाया था चंदन बनाना हो, एक तो होता है चंदन, केसर चंदन, वो कोई कोई संत महात्मा लगा, लेकिन सब आदमी के लिए जल्दी से विकास करने के लिए चूना, जितना चूना उतना हल्दी मिश्रण करके रख दो, फिर भेगा के उसका तिलक करो, बाप रे बाप कितना फायदा होता है, मीज जानतुन भगवान जानती, तुम्हारा काय माहित, बिंदी 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 काय बिंदी अच्छी दिखती चांगली ना, बुद्धि गड़बड़ करती।